हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अफगानी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इसमें मटन के पीसेस को फ्राई करना होता है और इसमें चाट मसाले पड़ते हैं, कसूरी मेथी पड़ती है, जिसकी वजह से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसका तंदूरी जैसा टेस्ट आता है मटन को फ्राई करने की वजह से। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए, ये आपको ज़रूर पसंद आई। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मटन अफगानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में अराउंड 1 kg मटन लिया है, विद बोन्स एंड विद फैट लिया है। इसे यहाँ पर मैंने लिया है 2 medium size ऑनियन, जिसे इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अदरक लिया है, अराउंड 1 मुट्ठी अदरक है ये, इसे बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। अराउंड 1.5 पूरा अखा गार्लिक लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, जिसे छिल लिया है। 18 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिया है यहाँ पर। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज़ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन सारे मसालों को जो इधर पे दिख रहे हैं, इसे हमें पहले ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची और प्याज लिया था, वो मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे बाद में, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स अभी एक साथ में नहीं दिखा रही हूँ। हर एक स्टेप में आपको जिस तरह से इंग्रेडिएंट लगेंगे तब मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अब इसे हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, मैंने मसाले को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब ये प्रेशर कुकर के अंदर हमें डालना है अराउंड 3 tablespoons जो ग्राइंडर मसाला हमने अभी तैयार किया था वो। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 teaspoons नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और एक छोटा ग्लास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसका लिड हम बंद करेंगे और इसे 5 से 6 whistle देंगे, जब तक मटन अच्छी तरह से गल ना जाए। आपके कुकर के अकॉर्डिंग आप विसल देना इसे। अभी मसाला जो हमने साइड में पीस के रखा था, उसमें हमें डालना है अराउंड 400 grams दही। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में डाल के भी फेंट सकते हैं, बाकी के जो आगे के मसाले मैं बताऊंगी उसके साथ में। जब तक हमारा मटन पक रहा है, हमें आगे के स्टेप्स की तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 cup हरा धनिया। यहाँ पर अराउंड 3-4 tablespoons मैंने क्रीम लिया है, दूध की मलाई है ये। ये देखिए, दही को मैंने इसके अंदर मसालों के अंदर अच्छी तरह से फेंट दिया है, ये स्मूथ हो गया है काफ़ी। ये देखिए, मैंने ग्राइंडर जार में हरा धनिया और क्रीम डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, हरा धनिया और फ्रेश क्रीम जो मैंने लिया था, उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इस मसाले में इसे मिला दूंगी। जो दही वाला मिक्सचर था, वो मसाले में मैंने इसे मिला दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 teaspoons कसूरी मेथी, 1 teaspoon चाट मसाला, 2 teaspoons गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को हमें दही का मिक्सचर बनाया उसमें डाल देना है। एक बड़े नींबू का रस लिया है मैंने, इसे भी इसमें डाल देना है और इसे मिक्स कर देना है। और इसमें हमें नमक भी डालना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देना आप इसमें नमक। मैं यहाँ पर 2 teaspoons नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यह हमारा मैरिनेशन है, जिसमें हम मटन को मैरिनेट करेंगे। इसे मैं साइड में रख रही हूँ, मटन होने का वेट कर रही हूँ। ये देखिए, 4-5 सीटियों के बाद हमारा मटन गल गया है। नाइफ़ कितनी अच्छी तरह से इसमें इंसर्ट हो रही है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से गल गया है। अब मैंने इसे फिर से हाई फ्लेम पे रखा है और इसका जो सारा पानी है वो हमें सुखा देना। ये देखिए, 2 मिनट के बाद हमारा जो मटन में जो पानी था वो पूरी तरह से सूख गया था और मैंने गैस को बंद कर दिया था। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब थोड़ा सा ठंडा करने के बाद जो हमने सारा मैरिनेशन बनाया था, वो पूरा का पूरा मैरिनेशन इसमें डाल देना है और मटन के पीसेस को 1.5 से 1 घंटा इसमें मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप इमीडिएटली विदाउट मैरिनेशन भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे मटन के पीसेस को मैरिनेशन में से निकाल के एक बड़े बाउल में ले लिया है। और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अराउंड 1/2 cup ऑयल लिया है मैंने, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर आपको पहले गैस को मीडियम करना है और इसके अंदर आपको जो मटन के पीसेस हैं उसे डाल के फ्राई कर लेना है। गोल्डन कलर आ जाना चाहिए इसका, थोड़ा ब्राउन जैसा, उसे जब तक आपको इसे फ्राई करना है।
इस तरह से ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी आपका ब्राउन गोल्डन कलर आएगा उसका। ये देखिए एक साइड से कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था मटन, तो मैंने इसे दूसरी साइड टर्न कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी आपको इसी तरह से इसे ब्राउन कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे मटन के पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई करके दोनों साइड से इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्राउन फ्राई हुआ है। इसी तरह से आपको सारे मटन के पीसेस को फ्राई कर लेना है पहले। अब ये जो ऑयल बच गया है पैन में मटन को फ्राई करने के बाद, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 3-4 लौंग। इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना है और ये सारा ऑयल के साथ हमें प्रेशर कुकर में डाल देना है। ये देखिए ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म था मटन फ्राई करने के बाद, इसलिए मैंने जो मसाले इसमें ऐड किए थे वो जल्दी से हो गए हैं। 1 मिनट ही इसे पकाना है, कुछ सेकेंड्स, और फिर ये ऑयल को हमें इसमें पूरा का पूरा ऑयल पलटी कर देना है। इसमें ऑयल को वेस्ट नहीं करना है। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है, इसे हाई फ्लेम पर रखा है और इसे स्टर करते हुए हमें मसाला जब तक पकाना है जब तक पूरी तरह से इसे ऑयल ना छोड़ दे। मसाला भूनते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो आपको कुकर के ढक्कन को इसे 3/4 ही कवर करना है, पूरा नहीं कवर करना है, नहीं तो दही फट जाएगी। और इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है बीच बीच में स्टर करते हुए। कुकर में पकाने का एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो इसके मसाले के छींटे उड़ते हैं वो ऊपर नहीं आएंगे। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे इसे ट्रांसफ़र करके तो छींटे पूरे गैस पे सब जगह स्प्रेड हो जाएंगे, आपके हाथों पे भी आएंगे। बड़े कुकर में इसे पकाने से इस तरह से छींटे नहीं पड़ते हाथों पे। जैसा कि आपने देखा था मैंने इसमें और कुछ नहीं ऐड किया था, जो भी डालना था वो मैंने सिर्फ मैरिनेशन में डाल दिया था सारे मसाले, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। ये देखिए मसाले को पकते हुए कुछ 7-8 मिनट हो गए हैं, ये बस 2-3 मिनट के बाद होने ही वाला है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है मैंने यहाँ पर दूसरे छोटे गैस पे एक चारकोल लिया है, कोयला। चारकोल को हमें इसका रेड कलर होने तक पकाना है। मसाला हमारा पक गया है, मैं इसमें अराउंड 1 छोटा ग्लास पानी डाल रही हूँ, 250 ml वाटर आता है इसमें। और अब इसमें सारे जो फ्राइड मटन के पीसेस है वो डाल देने हैं। ये देखिए मैं सारे मटन के पीसेस इसमें डाल रही हूँ जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये देखिए मटन के पीसेस डालने के बाद भी मैंने ग्रेवी को पकने के लिए इसे हाई फ्लेम पे ही रखा है। ऑलमोस्ट 5 मिनट तक पकाना है, थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी हो जाए बस उतना ही पकाना है हमें। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी का टेक्सचर एकदम बढ़िया सा हो गया है, इसका ग्रेवी एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को करते हैं बंद। अब ये जो चारकोल मैंने गर्म होने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से लाल हो गया है, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसे एक टोंग्स की मदद से पकड़ के हमें एक कटोरी में रख देना है और ये गरम गरम कोयले के ऊपर हमें डालना है। अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है हमें और इसे संभाल के इसके अंदर डाल देना है और इसे कवर कर देना है कुकर के लिड को, ताकि इसका स्मोक का फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए। 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह से ढक के रखना है। कोयला को ग्रेवी के अंदर रखते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसकी स्टीम भी अराउंड ख़त्म हो गई है। बहुत ही गर्म है ये। अब इस कटोरी को हमें टोंग्स की मदद से पकड़ते हुए बाहर निकालना है। इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करना है ताकि कोयले का जो फ्लेवर है वो पूरी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारा मटन रेडी हो गया था और मैंने इसे एक प्लेट में डिश आउट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये मटन फ्राई किया हुआ, इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से गल गए हैं मटन के पीसेस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना हो और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए मटन अफगानी की तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।